हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड टूडे वी विल कंटिन्यू विथ हवर सम नवम्बर करंट अफेयर्स टॉपिक्स सम ऑफ़ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अर लास्ट लेक्चर सो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क तो यूनेस्को का एक लिस्ट है नाउ वी ऑलरेडी नो अबाउट यूनेस्को यूनेस्को क्या है वी विल ब्रश इट अप आल्सो सो श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है सो रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को डेजिग्नेटेड श्रीनगर एज अ पार्ट ऑफ़ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यू सी सी आफ्टर मुंबई चेन्नई हैदराबाद वाराणसी एंड जयपुर श्रीनगर इज़ द सिक्स्थ इंडियन सिटी टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन। ओके सो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल द सिक्स नेम्स ऑफ द इंडियन सिटीज़ अगेन आई एम रीट इट इज़ मुंबई चेन्नई हैदराबाद वाराणसी जयपुर एंड श्रीनगर चलिए क्या है ये बेसिकली श्रीनगर क्या है और श्रीनगर को क्यों क्रिएटिव सिटी का रिकॉग्नीशन दिया गया है सो द श्रीनगर सिटी हेज़ बिन डेजिग्नेटेड द क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स ओनली सैकेंड सिटी इन इंडिया इन दिस कैटेगरी आफ्टर जयपुर तो उनको बेसिकली क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के क्योंकि वो क्रिएटिव है इसीलिए श्रीनगर को ये रिकोगशन दिया गया है इट विल नॉट ओनली गिव ग्लोबल रिकोग्नीशन टू द श्रीनगर सिटी बट ऑल्सो हेल्प इट इन इंटरनेशनल फंडिंग टाइप्स एंड क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज and pitching craft as a product with this the capital city of jammu and kashmir shrinagar has entered the club of 295 creative cities network across the world so dekhiye itne sare shaharon ke beech mein jab 295 cities ko creative cities का जब recognition मिलता है, so it is a unique thing okay और global recognition अब shrinagar को यहाँ पे मिलेगा. एवरी ईयर यूनेस्को सिक्स एप्लीकेशन फॉर वरियस सिटीज अक्रॉस द ग्लोब फॉर पुटिंग दैम अंडर द यूसीट द एप्लीकेशन इन इंडिया आर राउटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो इंडिया में यूनेस्को को जो एप्लीकेशन पहुँचाने का काम है वो कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना वट इज़ दुनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यू सी सी एन सो इट वॉज क्रिएटेड इन टू थाउजेंड एंड फोर इट एम्स टू प्रमोट कॉपरेशन अमोंग द सिटीज विच रिकोगनाइज क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन दर अर्बन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इलेवन एम्स फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्यूनिटीज द नेटवर्क कवर्स सेवन क्रिएटिव फील्ड्स क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स मीडिया आर्ट्स फिल्म डिजाइन गैस्ट्रोनॉमी लिटरेचर एंड म्यूजिक तो देखिए बेसिक सेवन क्रिएटिव फील्ड्स जो है विच इज क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स मीडिया आर्ट्स फिल्म डिजाइन गैस्ट्रोनॉमी लिटरेचर एंड म्यूजिक सो इन सात फील्ड में यू सी सी एन क्रिएटिव सिटीज को रिकग्निशन देता है इंडियन सिटीज ऑन यू सी सी एन तो श्रीनगर को रिसेंटली जो ऐड हुआ है दैट इज इन फील्ड ऑफ क्राफ्ट क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स मुंबई फिल्म ट्वेंटी नाइनटीन में उसको ऐड किया गया हैदराबाद इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अगेन इन ट्वेंटी नाइनटीन चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक ट्वेंटी सेवेंटीन जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स ट्वेंटी फिफ्टीन वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक सो देखिए सारे जो ये सिटीज़ है वो आफ्टर ट्वेंटी फोर्टीन ऐड किए गए हैं सो नाव यू कैन रिकोगनाइज दैट देर शुड बी अ स्लाइड चेंज इन द गवर्मेंट वर्किंग द वे हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस सो वहाँ पर ये चीज़ हमें बदल बदली हुई मिली है एंड दैट्स वाई ऑल द सिटीज आर एडेड आफ्टर ट्वेंटी फोर्टीन स्टार्टिंग फ्रॉम वाराणसी एंड द लेटेस्ट एडिशन इज श्रीनगर इन द एरिया ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स यूनेस्को क्या है सो इट्स अ स्पेशलाइज इट्स अ स्पेशलाइज आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सो इट इज अ स्पेशाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलरली नोन एज यू एन इट्सिक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन द साइंस

ग्लोबल एजुकेशन मोनिटरिंग रिपोर्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया तो ये सारी रिपोर्ट यूनेसको पब्लिश करता है और अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट उसके रिलेटेड जो भी अगर रिगार्डिंग पॉलिसीज है उसमें वी अमेंड दो पॉलिसीज सो दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ क्वाइटली वेरी ईजी टॉपिक टू स्टार्ट विथ सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन्स

सो एज़ वी ऑलरेडी नो कि पिछले कुछ महीनों में द रजिम इन द अफगानिस्तान हैज़ बिन चेंज्ड तालिबानी रजिम आ चुका है वहाँ पे और कैसे आ गया तो तालिबानी टेररिस्ट बेसिकली हैव कैप्चर्ड एंटायर कंट्री और दल मेजोरिटी ऑफ द एरिया फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट सो नाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट इन द पावर तालिबान रेजिम हैज स्टार्ट आफ्टर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स एज द यू एस ट्रूप लेफ्ट दैंड ऑफ अफ़गानिस्तान बीस इक्कीस सालों से यू एस की आर्मी वहाँ पर रह रही थी तो तालिबानों को छुपके रहना पड़ रहा था नाउ दैट यू एस डिसाइडेड टू लीव दिस् अफ़गानी लैंड अगेन द तालिबानी टेररिस्ट हैजेकन ओवर और अफगानिस्तान में अब ये स्टार्ट हो गया है द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ नाउ वेनेड इंडिया के क्या क्या कंसर्न हैं तो इंडिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड और कल्चरल रिलेशन रहे थे अफगानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी uh, सेटअप करने के लिए इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट था और इंडिया का ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में नाउ दैट द तालिबानी रजीम हैज़ बीन सीन एज द एंटी इंडिया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट अपने जो इंटरेस्ट है उसको सेव uh, करना चाहती है प्रोएक्टिवली uh, और उसी के लिए ये दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया और uh, हमारे जो एन थे उन्होंने मल्टीपल अदर कंट्रीज़ के एन को जो कि एशिया मिड एशिया में है या मिडल ईस्ट एशिया में है तो उन कंट्रीज़ के एन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को इंडिया में एक समिट के लिए बुलाया एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए बुलाया कि भाई ओके अफग़ानिस्तान में अब ये रेजिम आ चुका है यहाँ पे अब हमें क्या करना है so recently the delhi regional security dialogue on afghanistan was held the meeting was composed of national security advisors of region, regional countries and chaired by indian nsa the meeting called for urgent humanitarian assistance to the afghan people and urged close cooperation and consultation among the regional countries over the afghan scenario दिस इज़ द थर्ड मीटिंग ऑफ़ द रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग द अर्लियर टू मीटिंग्स वर हेल्ड इन ईरान इन ट्वेंटी एटीन एंड ट्वेंटी नाइनटीन ओके तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली इंडिया ने क्योंकि अब वहाँ पर अफगानिस्तान में ठंडी का मौसम आ रहा है विंटर आ रहा है और क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी कमी है इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल व्हीट एंड जो राइस के और बाकी का जो डे टू डे लाइफ में नेसेसरी खाने पीने का जो सामान है वो ट्रक के ट्रक भर के भेजा था बट क्योंकि वो रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है पाकिस्तान इज नॉट अलाउिंग इंडियन ट्रक्स टू एंटर टू अफग़ानिस्तान और इसी के बेसिस पे बात करने के लिए इंडिया ने एक टॉक इनिशिएट किया था और वो समिट नई दिल्ली में हेल्ड किया गया ओके okay, सो so क्या है बेसिकली हेल्पिंग हैंड सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडियन हेल्प की तरफ से बन रहे हैं हेल्पिंग हैंड इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी चाहती है कि वहाँ के लोगों को खाना पीना अच्छी तरीके से मिला रहे सो इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड कि ये कैसे सक्सेसफुल हम कर सकते हैं इंडिया ने अभी क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है सो टू एटीन किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम जरान्ज टू देलाराम इन साउथ वेस्टर्न अफग़ानिस्तान टू ट्वेंटी किलोवॉट डी सी ट्रांसमिशन लाइन फ्राम पुले खुमरी टू काबुल सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट टू हैरात प्रोविंस विच इज़ पॉपुलरली नोन एज अ फ्रेंडशिप डैम बिटवीन इंडिया एंड अफग़ानिस्तान एंड द अफ़ान पार्लियामेंट एंड द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल बोथ इन काबुल तो ये सारी चीज़ें हम अफ़ग़ानिस्तान में बहुत लाखों करोड़ों रुपये बनाकर हमने लगाई है टू ट्वेंटी वन 20 एंड ट्वेंटी ग्लोव at स्टेशन ऐट तो नाव ये सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट uh, थे वो धीरे धीरे तालिबान रंजीम के आने से हमें ये लग रहा है कि खतरे में आ गए हैं इनवाइटेड पार्टिसिपेंट्स कौन था इस समिट में सो अफ़गानिस्तान नेबर्स सच एज़ पाकिस्तान ईरान ताजिकिस्तान एंड उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड अदर की प्लेयर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना नीड क्या थी सो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ़ यू एस फोर्सेज एंड द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफ़गानिस्तान इंडिया इज़ कंसर्नड अबाउट द सिक्योरिटी इन द रीजन तो इंडिया का सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि क्योंकि तालिबान रजिम को चाइना एंड पाकिस्तान खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं अफ़ग़ानिस्तान का इस्तेमाल अब इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा जैसे कि कई सालों पहले होता था देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेररिज्म स्प्रेडिंग फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अफ़गानिस्तान डेली डिक्लेरेशन में क्या बातचीत हुई हाईलाइट क्या थी सो सिक्योर एंड स्टेबल अफ़गानिस्तान इंडिया का ये एक गोल है कि वी नीड टू हेल्प अफगानिस्तान टू बी सिक्योर एंड स्टेबल रीइरेटेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ पीसफुल सिक्योर एंड स्टेबल अफ़गानिस्तान वाइल एम्फोसाइजिंग द रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नॉन इंटरफियरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स तो ये सीधा सीधा मैसेज किसको था चाइना एंड पाकिस्तान को कि भाई अफ़गानिस्तान की इंटरनल मैटर्स में इंडिया ना तो इंटरफियर uh, करेगा ना ही इंटरफियर किसी को करने देगा कंडेमिंग टेररिज्म सो कमिटेड टू द कॉम्बेट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस अर्ज द रीजनल मेंबर्स टू एंश्योर दैट अफग़ानिस्तान वुड नेवर बिकम अ सेफ हेवन फॉर ग्लोबल टेररिज्म इन्श्योरिंग फंडामेंटल राइट्स तो आपने देखा होगा कि महिलाओं हो और लड़कियों को किस तरह से पढ़ने से जॉब करने से अपने मनपसंद कपड़े पहनने से बोलने से रोका जा रहा है सो इंडिया हैज़ अगेन शोड हिज सपोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन एंड माइनॉरिटी कम्यूनिटीज आर नॉट वायोलेटेड दसिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द अफ़गान सोसाइटी collective cooperation called for a collective cooperation against the menace of radicalization extremism separatism and drug trafficking in the region central role of united nations kyahoga so recalling the relevant united nations resolution on afghanistan they noted that the united nations continued presence in the country must be preserved The recent UN resolution 2593 reiterates the importance of combating terrorism in Afghanistan including those individuals and entities designated pursuant to resolution 1267 to dekhi Afghanistan mein jo hua ya Myanmar mein jo hua और कई सारे अदर देशों में जो हो रहा है वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है व्हाई बिकॉज हर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई और चीज़ बोलता है और जब रीजनल सपोर्ट की बात आती है या रीजनल सिक्योरिटी की बात आती है एवरी कंट्री इज़ डूइंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़ और देयर ओन सिक्योरिटी और देयर ओन एजेंडा राइट तो यहाँ पे आकर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं अफगानिस्तान में देर इज़ ह्यूज वायोलेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जो लोगों को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर्ड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है नाउ दोज पीपल आर रूलिंग अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग और कैन नॉट डू एनीथिंग तो जब इतना फंड दिया जा रहा है हर कोई कंट्री इतना फंड दे रहा है तो देर इज द क्वेश्चन इज दैट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस और द सब्स्टिट्यूटरी बॉडी लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या रीजनल कंट्रीज़ आए थे कि उन्होंने अटेंड uh, किया किन्होंने मिस कर दिया किन्होंने रिजेक्ट कर दिया और क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया सो रशिया हेल्ड दैट मल्टीपल डायलॉग मेकेनिज़म शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द अनफोल्डिंग सिचुएशन इन द तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड चाइना टू वर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्सल्टे बट बट बोथ स्टेड अवे तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने ही आना ठीक नहीं समझा मोरवर देर वॉज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दर्स्ट वाइल अफगान गवर्नमेंट और तालिबान उजबेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एन एस ए डिड नॉट मैंशन द वर्ल्ड टेररिज्म इन दैर ओपनिंग स्टेटमेंट अदर अफ़गान पीस प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है सो त्रोका प्लस मीटिंग ऑन अफगानिस्तान द यू एस रशिया चाइना पाकिस्तान ग्रुपिंग ऑन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान इट वॉज सेटअप बाय रशिया फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इन द ईयर ट्वेंटी सेवनटीन इट इज़ अ सिक्स पार्टी मेकेनिज्म इट इन्वॉल्व रशिया इंडिया अफगानिस्तान ईरान चाइना एंड पाकिस्तान तो आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान पर मेजोरिटी जो इन्फ्लुएंस डालने वाले कंट्रीज है उन लोगों ने मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान बनाया था इन ट्वेंटी सेवनटीन नाव वी हैव डेली डिकलेरेशन ऑन अफगानिस्तान एज वेल विच इज़ इनिशिएटेड बाई इंडिया सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड देखिए जब इंडिया और सॉरी uh, इंडिया के बुलाने पर चाइना uh, और पाकिस्तान नहीं आ रहे है दैट इज़ ऑल्सो डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया वो दिखा रहा है कि ओके इंडिया इज़ गोइंग इन टू राइट डिरेक्शन अगर पाकिस्तान सपोर्ट करना नहीं चाहता है या चाइना सपोर्ट करना नहीं चाहता है देन ऑल्सो इंडिया विल वॉइस इट्स पॉलिसीज या वॉइड इट्स थिंकिंग तो इंडिया अपने थिंकिंग को देश दुनिया के सामने रखने में नाउ इंडिया इज केपेबल ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया इंक्रीजिंग स्टैचर ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल वर्ल्ड सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अट्रल गवर्नमेंट स्कीम और वो है एम पी स्कीम अब देखिए बेसिकली एम पी स्कीम बड़ी आसान सी स्कीम है टू एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं वाई ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो छोटे मोटे काम हैं जिसके लिए ज़्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं है उसके लिए उन लोगों को सेंट्रल uh, गवर्नमेंट एक प्री डिसाइडेड अमाउंट पहले से दे देती है नाउ वाई वी आर रीडिंग दिस अबाउट द स्कीम नाउ तो कोरोना की वजह से जो एम स्कीम थी उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था

पाँच सालों के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है इट विल बी को टर्मिनस विद द पीरियड ऑफ द फिफ्टींथ फिनेंस कमीशन द स्कीम वॉज सस्पेंडेड फॉर टू फिनेंशियल ईयर फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो देखिए दो हज़ार बीस में कोरोना की हमारे यहाँ पे सीरियस सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था बट नाउ दैट थिंग्स आर रिटर्निंग टू नॉर्मल और अभी कोई नेक्स्ट नियर फ्यूचर में वी डोंट सी एनी पेंडेमिक कमिंग तो इसकी वजह से जो 2021-22 का जो डिसीजन था उसको क्या कर लिया गया है उसको रिवोक कर लिया गया है और एम पी की जो स्कीम है वो वापस स्टार्ट कर दी गई है क्या है ये बेसिकली स्कीम सो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ओके नाउ मल्टीपल टाइम्स यू हैव हर्ड दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो है जिसमें 100 परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट uh, की ही कोई एजेंसी होगी वॉट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह है कि जहाँ पे पार्शियल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी का पैसा या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो बैंक्स या कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होगी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी बेसिक थिंग तो जो एम लेड स्कीम है इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वॉज अनाउंसड इन डिसम्बर नाइनटी थ्री ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सो टू अनेबल एम पीज टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंटल नेचर विद एम्फोसाइज ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स इन द एरियाज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्राइमरी एजुकेशन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंड रोड एक्सेट्रा प्राइमरीली इन दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बेसिकली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खर्च करने के लिए उनको ये पैसा दिया जाता है सिंस जून 2016, सिक्सटीन द एम पी लेड फंड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स सच एज़ स्वच्छ भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हारवेस्टिंग एंड संसद आदर्श ग्राम योजना इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा सो द प्रोसेस अंडर एम पी लेट्स स्टार्ट विद द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंडिंग वर्क टू द नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तो जो भी सिटी में या गाँव में जो भी नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी या जो हाइएस्ट अथॉरिटी uh, होगी उसके साथ मिलकर यह काम किया जाएगा द नोडल डिस्ट्रिक्ट कंसर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एलिजिबल वर्कस रिकमेंडेड बाय द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क एग्जीक्यूटेड एंड अमाउंट स्पेंट अंडर द स्कीम तो एक बार काम हो जाएगा उसके बाद वो जो खर्चा है वो किसको दिया जाएगा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको आगे कमेटी के थ्रू पहुँचा कर उसको रिपे करेगा फंक्शनिंग कैसे होती है सो ईच ईयर एम पीज रिसाइव करोड़ रुपीज इन टू इंस्टॉलमेंट ऑफ टू पॉइंट फाइव करोर ईच फंडर एम पी लेड्स आर नॉन लैपसेबल ओके मतलब वो लैप्स नहीं हो जाते लोकसभा एम पीज हैड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्रोजेक्ट्स इन दर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइल राज्यसभा एम पीज द स्टेट दैट हैज इलेक्टेड देम टू द हाउस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क एनी वेर इन द कंट्री ओके सो प्राइमरीली आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पैसा खर्च करना है यू कैन स्पेंड इट आउटसाइड ऑल्सो राज्यसभा के जो मेम्बर्स हैं और नॉमिनेटेड जो मेम्बर्स है वो देश में कहीं भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए ये पैसे को दे सकते हैं वो अपने पर्सनल खर्च के लिए पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए इसको खर्च नहीं कर सकते ओके सो हाउ डज एम पीलेट्स वर्क सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड वर्क बेस्ड ऑन लोकल नीड्स ऑफ दी दिलेक्ट सिलेक्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कभी साइकिल ट्रैक बनवा दिया कभी छोटा सा रोड बनवा दिया कभी पानी का जो स्टेशन uh, होता है वो बनवा दिया बच्चों के लिए गार्डन बनवा दिया ये सारी जो छोटी छोटी जरूरत है वो एम पी लेट से पूरी की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बेसिकली सेंक्शन

एंड क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल अट्स विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम पी लैड्स इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिवाइविंग द लोकल इकोनॉमी तो देखिए अभी आने वाले एक साल के लिए इसको दो करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा इन प्लेस ऑफ फाइव करोड़ जो पहले पाँच करोड़ रुपए दिए जाते थे अभी भी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है सो गवर्नमेंट आने वाले दो सालों के लिए दो करोड़ रुपये हर एम पी को देगी पर ईयर ओके इश्यू विद क्या एम एमपी एम पी लेट्स सो जो चैलेंजेस है जिसकी हमने बात की सो इम्प्लीमेंटेशन लैपसेस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ फ्लैग्ड इंस्टेंसेस ऑफ फिनशियल मिसमैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ अमाउंट्स स्पेंड ओके okay, तो जो काम सौ रुपए में हो सकता है उसको हजार रुपए का दिखाकर बाकी का पैसा करप्शन में या अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नो स्टैचुटरी बैकिंग सो द स्कीम इज नॉट गवर्न बाई एनी स्टैचुटरी लॉ एंड इज सब्जेक्टेड टू द विम्स एंड फेंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन आर काफ़ी वीक है सो द स्कीम वॉज लॉन्चड फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट बट देर इज नो इंडिकेटर अवेलेबल टू मेजर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिजम लेड्स एनक्रोचिज अपॉन द डोमेन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर बाई वायोलेट्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सम पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म सो एम्पी लेड्स स्कीम ये फेडरलिज्म के जो uh, आर्टिकल्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल um, वाउज है उसको क्या करता है वायोलेट करता है कॉन्फ्लिक्ट विद डॉक्ट्रेन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स सो एम पीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होना चाहिए वहाँ पर भी यहाँ पर आपको एम पी की दखल अंदाजी देखने को मिल सकती है सो so, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में उनका इंटरफियरेंस वहां पे देखा जा सकता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एम पी लैड्स स्कीम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अवर इंटरनेशनल इंक्रीज स्टेटस और इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विन हुई है एंड uh, ये हम बात करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड बात है साथ साथ ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है इसको विच इज़ इंटरनेशनल सोलार अलायंस सो यू ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ज्वाइन किया है नाउ बेसिकली व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया तो ये इंडिया का इनिशिएटिव था जिसमें काफ़ी सारे डेवलप्ड नेशन ने इंडिया को सपोर्ट किया और इंडिया के जो विजन uh, है उसको अप्रिशिएट किया एंड नाउ अल्टीमेटली और फाइनली यू एस एज़ ऑल्सो ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलार अलायंस तो बेसिकली इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो मेन एम है द प्राइमरी एम इज़ टू जनरेट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी थ्रू सोलार पावर एंड हाउ वी शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर अक्रॉस द बॉर्डर अक्रॉस द कंट्रीज ये आइडिया किसने दिया है इंडिया ने दिया है सो रिसेंटली द यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ बिकम दन जीरो फर्स्ट मतलब एक सौ एकवा कंट्री बन चुका है मेम्बर कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलार अलायंस अर्लीयर द फोर्थ जनरल असम्बली ऑफ आई एस ए वॉज हेल्ड ओके सो फोर्थ जनरल असेंबली के बाद यह डिसीजन हुआ है दई एस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ अ ग्लोबल मैंडेट टू कैटेलाइज सोलर ग्रोथ बाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग एंड टेक्नोलॉजी आई एस ए इज ए नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग वनसन One World, One Grid, uh, which is popularly known as Osovog, which seeks to transfer solar power generated in one region to feed the electricity demands of others. Launch Kabhuatha. So, it is an Indian initiative that was launched by the Prime Minister of India.

न्यू आई एस ए प्रोग्राम्स कौन से है सो न्यू आई एस ए प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च ऑन मैनेजमेंट ऑफ सोलार पी वी पैनल्स एंड बैटरी यूसेज वेस्ट एंड सोलार हाइड्रोजन प्रोग्राम द न्यू हाइड्रोजन इनिशियेटिव इज एम्ड एट एनेबलिंग द यूज़ ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट अ मोर अफोर्डेबल रेट दैन दैट वॉज अवेलेबल करेंटली बाई ब्रिंगिंग इट डाउन टू टू यू एस डॉलर पर के जी ओके okay, सो so ये हाइड्रोजन इनिशिएटिव भी इसके साथ जुड़ा जाएगा ताकि वी स्टार्ट यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पावर सोर्स वाई बिकॉज वी डू नॉट हैव द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एनी मोर आफ्टर फिफ्टीन और ट्वेंटी ईयर्स तो अभी से जब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बनाना स्टार्ट करेंगे इट इज गोइंग टू हेल्प और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में ऑन डोमेस्टिक फ्रंट इंडिया हैज़ एक्सीडिड द एक्सपेक्टेशन्स और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के जो फील्ड है उसमें इंडिया हैज़ प्रूवन के इंडिया हैज़ द पोटेंशियल इंडिया हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ यू प्रोवाइड फंड इंडिया कैन लीड द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग यू नो रशिया चाइना जापान यूके यूएसए अदर डेवलप्ड कंट्रीज वाई बिकॉज इंडिया हैज़ इन सेवरल स्टेट एंड इन सेवरल विलेज इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इंडिया हैज़ प्रूव्ड दैट ओके वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस दिज दिस अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आर कंट्री एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट और आई एस ए की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी प्रेज भी मिला है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिफेंस क्या है वो सो इट्स अ सिक्स एडिशन ऑफ शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी One. so the sixth edition of the indo-french shakti 2021, which is a bilateral joint training exercise, will be conducted in november in Fre frejou, france. from the indian side, a platoon strength of gorkha rifle infantry battalion will participate in the exercise. Kya hai ye? so it will focus on the counter-terrorism operations in backdrop of semi-urban terrain under united nations mandate.

सो डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी कौन सी है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस दैट इज वरुणा विच इज़ ए नेवल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन एंड गरुडा विच इज एन एयर एक्सरसाइज एयर फोर्स एक्सरसाइज एंड शक्ति दैट इज एन आर्मी एक्सरसाइज तो ये आपको याद रखना है एक्सरसाइज का पूरा एक लिस्ट हमने ऑलरेडी बना लिया है प्लीज कीप दैट लिस्ट हैंडी और कंट्री और इंडिया कौन सी कौन सी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है और उसका पर्पस क्या है बेसिकली फ्रीक्वेंसी uh, क्या है कब स्टार्ट हुआ था उसका लेटेस्ट वेन्यू क्या है ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एंड अबव दी ऑल उसका नाम क्या है ये आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द इकनॉमी सो इट इज़ आर इज रिटेल डिरेक्ट स्कीम सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च लॉन्च द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डिरेक्ट स्कीम टू ओपन अप द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स तो देखिए अब तक क्या होता था लिमिटेड एडिशन में गवर्नमेंट बॉन्ड कॉमन पब्लिक के लिए इशू किए जाते थे ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड तो बॉन्ड का मतलब यह है कि लेट से आज गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है गवर्नमेंट आपको सौ रुपए का एक बॉन्ड दे रही है एक अश्योरेंस दे रही है इट्स अ पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट ने आपके पास से सौ रुपए लिए और गवर्नमेंट आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रही है विच इज लोअर देन द यू नो यूजल मार्केट और शेयर मार्केट गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि ओके एक साल बाद आपको इसके ऊपर दस प्रतिशत या 5 प्रतिशत श्योर शॉर्ट रिटर्न दिया जाएगा ओके okay, सो so उसका क्या मतलब है कि इवन आपका जो इंटरनेशनल uh, मार्केट है या नेशनल स्टॉक मार्केट है चाहे वो कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए योर मनी विल बी सेफ यू विल गेट अ श्योर शॉट रिटर्न एंड दैट्स वाई यू नो जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं या जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड में अपना पैसा रोकने की uh, कोशिश करते हैं सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डिरेक्ट स्कीम टू ओपन अप द गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है ये स्कीम सो इन फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर बी आई प्रपोज्ड टू अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू ओपन गिल्ट अकाउंट्स with the central bank to invest government securities mean, uh, meaning gsec directly under the scheme retail investors uh, will have the facility to open and maintain the retail direct gilt account with the rbi a retail investor is a non professional investor who buys and sells securities or funds that contain a basket of securities such as mutual funds and exchange traded funds अ गिल्ड अकाउंट कैन बी कंपेयर्ड विध अ बैंक अकाउंट एक्स एक्सेप्ट दैट द अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड विद ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंस्टेड ऑफ़ मनी तो आप मनी की जगह किस में ट्रेड करोगे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में द स्कीम प्लेसिस इंडिया इन लिस्ट ऑफ सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज ऑफरिंग सच अ फैसे तो जो डेवलप्ड नेशन है वो बेसिकली ऐसी स्कीम्स ऑलरेडी अपने सिटीजन को ऑफर करते हैं ना इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी इसका बेसिक एम क्या है सो द मूव इज एम्ड एट डाइवर्सिफाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट विच इज़ डोमिनेटेड बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज़ बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड एंड अदर्स वाइल फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन जी सेक्स देयर होल्डिंग इज अराउंड टू टू थ्री परसेंट इन दी मार्केट तो देखिए कितना बड़ा शेयर है राइट इच्योर्स हंड्रेड परसेंट का अगर आप मार्केट शेयर गिनोगे सो टू टू थ्री परसेंट का जो uh, मार्केट शेयर है वो जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू होल्ड किया जाता है स्कोप क्या है सो इट ऑफर्स अ पोर्टल एवेन्यू इन इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स दे कैन इन्वेस्ट इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट्स नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट मीन्स आर बी आई इज स्क्रीन बेस्ड अनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट तो अब ये सारी सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट और लेट्स से शेयर मार्केट में भी इसको ट्रेड किया जा सकेगा और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों के पास जो पैसा अटका पड़ा है वो लोग भरोसा करके गवर्नमेंट को दे आरबीआई के थ्रू ताकि गवर्नमेंट अपने जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर सके और अगेन मार्केट में जो प्री कोविड वाली जो सिचुएशन थी वो वापस आ सके बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत इज एन अनदर यू नो एम्बिशियस गोल सो फार इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट स्मॉल इन्वेस्टर्स क्लास सैलरीड क्लास स्मॉल ट्रेडर्स हैड टू इन्वेस्ट थ्रू बैंक्स एंड म्यूचुअल फंडस इन एन इनडिरेक्ट मैनर तो अभी वाया वाया करके हमें वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड में डालना पड़ता था आपने एस आई पी ले ली या आपने किसी एजेंट के थ्रू पैसे इन्वेस्ट किए बट नाव गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अपरेक्ट पाथ आप सीधा अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो और गवर्नमेंट आपको उसका अश्योरेंस दे रही है दैट इज सिंपल केसिया जैसे आप एक शेयर खरीदते हो इम्प्रूवड ईज ऑफ एक्सेस सो इट विल मेक द प्रोसेस ऑफ जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग स्मूदर इवन फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स देयर फॉर इट विल रेज रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड विल इम्प्रूव ईज ऑफ एक्सेस फैसिलिटेड गवर्नमेंट बोरोइंग्स So, the measure together with relaxation in mandatory hold to maturity provisions will facilitate smooth completion of the government borrowings program in 2021 2022. Financialized domestic savings. So, allowing direct retail participation in the government security market will promote financialization of a vast pool of domestic savings and could be a game changer in India's investment. मार्केट तो अब जो लोगों ने पैसा बचा के रखा है वो श्योर शॉर्ट रिटर्न की लालच में गवर्नमेंट को वो पैसा देके गवर्नमेंट अगेन वो पैसा मार्केट में डाल के उन पैसे का लिक्विड लिक्विडिटी पैदा करेगी ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जो बंद पड़ा हुआ है बैंक्स में या लोगों के लॉकर्स में वो गवर्नमेंट के पास सामने आए ना वॉट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट

और डेटेड सिक्योरिटीज़ विद ओरिजिनल मेचोरिटी ऑफ वन ईयर और मोर तो ये सारी जो मेचोरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए जो होते है होते हैं और वो होते हैं ग्रेटर देन वन ईयर फाइव ईयर टेन ईयर्स इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज वेल द स्टेट गवर्नमेंट इश्यू ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज विच आर कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स राइट तो स्टेट शॉर्ट टर्म के लिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर सकता सेंट्रल uh, गवर्नमेंट ये दोनों चीजें कर सकती है फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी पार्ट प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हें आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एजड इंस्ट्रूमेंट्स gilt-edged securities are high-grade instrument bonds offered by governments and large corporations as a means of borrowing funds. okay, charlie, i hope this is clear now. so this was your today's lecture. we have talked about multiple uh, umbrella topics like international relations, economy, defense. i hope every topic is clear with you. stay home, stay safe, stay happy. thank you.